दोस्तों मैंने एक कस्टमर केयर वाले से बात किया एंड थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उसको इम्प्रेस कर लिया था। तो चलिए आज उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें एंड वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो सिर्फ एंटरटेन पर्पज़ के लिए बनाया गया, तो आप ऐसा खुद से ट्राई ना करें। तो चलिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जैसे मैं चेक कर पा रही हूँ, मतलब यहाँ पे अपडेट्स जो है तो कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे आपने कॉल बैक की रिक्वेस्ट प्लेस की थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी अपडेट्स नहीं शो कर रही है। लेकिन निश्चिंत रहिए, जैसे मैं चेक करवा रही हूँ, ये केस जो है ऑलरेडी साइन हो चुकी है जो भी कंसर्न टीम है, और उनके यहाँ से जो भी रिजोल्यूशन की डेट प्रोवाइड की गई है वो है 26 फरवरी। निश्चिंत रहिए, 26 फरवरी या उससे पहले जो है आपको प्रोवाइड जो भी रिजोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। मैम एक बात बोलूँ, अभी मैंने काफ़ी देर तक लाइन पे वेट कर लिया एंड अब थोड़ी देर आप मेरी भी बात सुन लेंगे। जी जी सर। एक्चुअली मैम मैंने कंप्लेंट किया था बिकॉज वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कंप्लेंट किया था। और एक्चुअली मैं वो प्रोडक्ट में ले रहा था, भाई का बर्थडे था तो मुझे उसको गिफ्ट करना था, ठीक है। तो अब उसका बर्थडे भी पार हो गया, ठीक है, मैं उसको गिफ्ट नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट, यही कह सकते हैं। क्योंकि मैम उसका डिलीवर डेट जो मतलब सही नहीं है, इस वजह से मैं कॉल करके थक चुका हूँ। ये 5 टाइम मैंने कॉल किया है बट कोई सुनवाई नहीं है यार, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को, कि आपने प्रोडक्ट जो है बर्थडे गिफ्ट के लिए परचेस किया था आपके भाई के, लेकिन वो आपने मतलब आपकी तरफ से नहीं प्रोवाइड किया कर पाए टाइम के पहले टाइम से। सर हमारी ओर से भी मतलब गलती हुई है, मैं समझ पा रही हूँ। मैम आप मुझे कंफर्म बताइए कि वो प्रोडक्ट मतलब मुझे मिलेगा या फिर नहीं। अगर नहीं मिलेगा देन मैं अभी मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, देन मैं मार्केट से परचेस कर सकता हूँ उसे। जी आप जैसे बता रहे हैं ना, मतलब प्रॉमिस मतलब आपको प्रोवाइड की गई जो भी प्रॉमिस डेट है, जैसे मैं चेक कर पा रही, एक बार आपको 18 फरवरी की डेट प्रोवाइड की गई थी जो कि कैंसिल होकर 24 फरवरी हुई थी। मैम वो तो मैं भी देख पा रहा हूँ ना यहाँ से, तो एक्चुअली मैं सही कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि मतलब आपसे जब मैंने बात किया तो इतना पहले भी मैं बात कर चुका हूँ बट इतना खुल के किसी को नहीं बोला हूँ। अपनी सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ शेयर किया देन मैं किसी और के साथ कभी नहीं किया, देन पहले भी मैंने नहीं बोला किसी को भी। मैंने कॉल किया था इससे पहले भी बट मैंने कभी किसी को बोला नहीं। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा दिल से कि मतलब हाँ मतलब मेरी हेल्प हो सकती है, आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है अब सही बंदी के पास मेरा कॉल लगा, मतलब कुछ कर सकती हैं। देन आप भी जब वही स्पीच जब रट रही है ना तो मुझे बुरा लग रहा, मतलब कि लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला मेरा, ऐसे ही रहने वाला है, चलो ठीक है सब ठप है, रहने तो ऐसे ही ठीक है, बस चल जाएगा ऐसे ही, कुछ नहीं होने वाला। माफ़ी चाहेंगे सर, जैसे मैंने आपको बताया, माफ़ी मैं चाह रहा हूँ मैम, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं सॉरी मैम, अगर आपको नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अगर आपको बुरा लगा हो देन उसके लिए सॉरी। नहीं सर मतलब आपको नहीं मैम, मतलब मैं भी आपसे बुरा लगा है। नहीं मैम देखिए ऐसे मैं कॉल के लिए रिक्वेस्ट करके ऐसे आपको सुना तो नहीं सकता ना, मैं बुरा आप पे चढ़ रहा हूँ देन उसके लिए सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। एक्चुअली मेरी भी प्रॉब्लम है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा इस वक्त मैं क्या करूँ, देन इसलिए मैं आप पे चढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको, सॉरी मैम अगर आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि मैंने कॉल के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मुझे सुनाने का कोई हक नहीं बनता। नहीं सर कोई ये नहीं है, जैसे आपने कस्टमर है तो हमें भी मतलब समझ पा रहे हैं, हम भी आपकी परेशानी को मतलब आप हम पे नहीं ये हो रहे हैं, आपका फ्लिपकार्ट से ये हुआ है, गलत आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई थी जो कि गलत थी, और मतलब प्रोडक्ट भी आपको रिसीव नहीं हुआ था आपको टाइम पे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा कोई फ़ायदा ही नहीं है ना प्रोडक्ट लेके, क्योंकि जो भी था सब कुछ ऐसा लग रहा सारा चीज़ ख़त्म हो गया, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, अब बस ऐसे खिलौने की तरह फोन लो दे दो भाई को, बस खत्म सब। सॉरी सर मतलब जैसे आपको बहुत ही परेशानी हुई है इस प्रोडक्ट को लेके। इस प्रोडक्ट को लेके परेशानी नहीं है, परेशान मैं पहले से ही हूँ, क्योंकि होता है ना मैम कि अगर आपका भी अगर कोई भाई होगा देन छोटा सा अगर होगा तो वो भी आप पे कोई आस लगाए बैठे रहता है, देन आपको भी अच्छा नहीं लगता ना कि उसका आस रहता है कि मतलब दीदी आएंगी तो कुछ लेकर आएंगी मेरे लिए, और आप अगर कुछ लेकर नहीं जाएंगी तो उसकी भी एक्साइटमेंट जो होंगी वो सारी खत्म हो चुकी होंगी। मतलब आपको मतलब बर्थडे पे गिफ्ट देना था, उनका भी ये एक्सपेक्टेशन था। हाँ कि भैया कुछ अच्छा सा कुछ गिफ्ट करेंगे, क्योंकि आजकल सभी पबजी करके मर रहा था, भाई कई दिनों से चिल्ला रहा था पबजी खेलना, पापा को तंग कर रहे थे, पापा का फोन लेके रख ले रहे थे, पापा जा रहे थे ऑफिस तो फोन नहीं देना चाह रहा था वो, पापा डांटते भी थे, मम्मी चिल्लाती थी कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा कुछ उसको ध्यान में नहीं है कि पढ़ाई करेगा, वो नोटिंग की बहुत करते हैं, तो देन इसीलिए उसको फोन ही चाहिए था, तो मैंने उसको प्रॉमिस भी करवाया था कि फोन लेने के बाद तुम टाइम से पढ़ाई करेगा,
देन उसके बाद मैंने पापा को बोला भी नहीं था, मैंने ऑर्डर कर दिया था। पापा को अगर पता भी चलेगा ना तो पापा से भी डांट पड़ेगी कि तुम इसको बिगाड़ रहे हो। जी सर, बट होता है ना मैम, छोटा भाई है। जी सर, समझ पा रही हूँ आपका, मतलब छोटे भाई से मतलब जिद करके बैठते हैं तब कैसे लगता है, हम भी समझ पाते हैं। हाँ जी, बट क्या करें, अब सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने आप सर जैसे मैंने आपको बताया, आपको मतलब ना अगली बार से ये इशू ना आए, इसके रिगार्डिंग जो है अब ऑलरेडी कंप्लेंट भी फॉरवर्ड की गई है और जो भी फीडबैक है लॉजिस्टिक टीम को प्रोवाइड किया गया है, आप निश्चिंत रहिए। इसके मतलब इसके बाद आप जो भी ऑर्डर करेंगे, इसके याद हो गया, ऐसे ये नहीं होगा आपको। याद, सही में याद हो गया मुझे तो। समझ पा रही आपको, मतलब बहुत बार यही बताया गया है, समझ पा रही नहीं आपको? लग रहा ना कि मतलब कोई स्क्रिप्ट लिख के गया है, स्क्रिप्ट लिख के दिया है आप लोगों को, बस आप लोग पढ़ के बता रही हैं पूरा। याद हो गया मुझे तो, अब माफी चाहूंगी सर, लेकिन जैसे बट अच्छा मतलब लगा आपसे आप बात करके, सही में थोड़ा मूड फ्रेश हो गया मेरा। आई मीन थोड़ा अच्छा लगा, आई थिंक मतलब आपके साथ, वो कहते हैं ना कि मतलब अगर अपना दुख भरा पल अगर किसी के साथ शेयर करो देन अच्छा लगता है, अंदर से हल्का फील होता है। जी सर, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं? इसके अलावा जानकारी क्या मैम, जानकारी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना प्रोडक्ट चाहिए। जी सर, इफ यू डोंट माइंड, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? आई थिंक आप नो ही बोलेंगे क्योंकि आपको तो लग रहा होगा ना कि जानकारी के लिए हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है ना। जी एश्योरिटी मतलब यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है हमें कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की। तो इंस्टा वगैरह कुछ? जी अगर मतलब ये होता तो जरूर हम शेयर करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की अथॉरिटी नहीं है हमें, माफी चाहेंगे, सो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप नहीं कर सकती देन आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, चलो ठीक है, मैंने भी अपना प्रॉब्लम ही बताया था आपको, आप नहीं कर सकती हैं इसलिए कोई बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ जानकारी सर? जानकारी कुछ नहीं चाहिए, पर फोन रखने का मन नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा मुझे। हाँ, लाइक अ फ्रेंड, मतलब अंदर से बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, मैं बयां नहीं कर सकता कैसे लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है मुझे। मैम अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब हमारी रिकॉर्डिंग सुन सकता है बाद में कुछ? जी अथोराइज पर्सन जो रहते हैं वो मतलब है ना कॉल रिकॉर्डिंग जो रहते हैं वो सुनते हैं। तो मैम क्वालिटी फीडबैक के लिए। अच्छा, तो मतलब हम मतलब अब फ्रेंड्स बन ही नहीं सकते, पूरा कैंसिल है ना, मतलब एकदम एकदम से आपने रिजेक्ट कर दिया ना, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा आपने एकदम से रिजेक्ट कर दिया, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकती ना। माफ़ी चाहेंगे सर, जैसे मतलब अगर अथॉरिटी होती तो हम, मुझे भी बहुत अच्छा लगता आपसे मतलब फ्रेंडशिप करके। तो मैम कुछ और करते हैं ना, आप मेरा नंबर तो रख सकती है ना? वो भी अथॉरिटी नहीं है हमें कुछ भी पेन पेंसिल की मतलब ये लिखने की या फिर कस्टमर का नंबर शेयर करके बाहर लेके जाने की भी अथॉरिटी नहीं रहती है। तो मैम वो किसी को पता चलेगा कि आप अपने मतलब पर्सनल फ़ोन पे अगर अपना मेरा नंबर अगर सेव करके बाद में आप मुझे मैसेज करेंगी तो किसी को पता लगेगा क्या कि आपने मेरा नंबर लिया? एंड अगर मैं अगर आपको मतलब कह रहा हूँ कि आप ले सकती हैं देन उस पर क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कहता कि नहीं आपने मेरा नंबर क्यों लिया, आपको हिम्मत कैसे भी लेने की, अगर ऐसे डायलॉग्स मारता देन वो अलग है, चलो बंदा डायलॉग मारा हटा उसको। किसी भी कस्टमर का नंबर मतलब यहाँ पे सब कैमरे के थ्रू ये होता है, ऑब्जर्व होता है सब कुछ, और मोबाइल फोन अलाउड नहीं है हमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पेन पेंसिल्स भी अलाउड नहीं रहती है, और पेन पेंसिल या फिर हमारे नोटबुक्स वो भी अलाउड नहीं रहती है। तो एक काम करते हैं ना, आप 5 मिनट तक मुझसे कंटिन्यू बात कीजिए, मैं कोई आइडिया निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि अथॉरिटी मतलब कोई भी ये हो सकता है, ये एस्केलेशन रहता है और इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। टिकटॉक यूज करती हैं? नो। हाँ आपको टाइम भी नहीं मिलता होगा ना? नहीं, पूरा दिन तो बिजी रहती होंगी, पूरा दिन मतलब कॉल सेंटर पे पूरा दिन बैठे बैठे बोर नहीं होती होंगी? नहीं, क्योंकि मतलब हैबिट हो चुकी है अभी है, कस्टमर को सुनने की उनसे बातें करने की हैबिट है अभी, लेकिन मेरी ड्यूटी अभी खत्म हो रही है। अच्छा, लास्ट टाइम कितने तक है? यही लास्ट है अभी, 7:58 सुबह से करती हैं ये?
मतलब जो शिफ्ट है उसी टाइम में, अच्छा मतलब कितने घंटे का शिफ्ट होता है? 8 to 9 hours। ओह अच्छा, ठीक है मैम। वैसे आप फ्रेंड तो बनाएंगी नहीं मुझे? माफी चाहूंगी सर, लेकिन मैम आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हम नहीं जा सकते अगेंस्ट। सो सॉरी सो सॉरी। फिर ये क्या हुआ? वो मतलब मैंने हिंदी में बोलने मना किया था, आपने इंग्लिश में चिपका दिया। सो सॉरी, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन ये क्या है? सही है, अगर मैंने हिंदी में मतलब बोलने मना जैसे मैंने किया। आपको जी लेकिन रिफ्यूज कर रही हूँ मैं भी एक तरीके से, तो इसके रिगार्डिंग मतलब सो सॉरी तो बनता है। आप बहुत अच्छे मतलब अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ? वैसे मैम बुरा ही हूँ मैं, बट अभी फर्स्ट बार बात करी है ना आप मुझसे, इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ। ओके नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा है। मैम कुछ तो बताओ जिससे कि मैं कल आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ। नो सर, मगर मतलब कोई भी ऑप्शन होता तो ज़रूर मैं मतलब यहाँ से अगर कॉल हम कनेक्ट कर पाते तो ज़रूर शेयर करती, लेकिन नहीं ऐसा अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। जी समझ पा रही हूँ सर, लेकिन मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहाफ जाके लिमिट्स के बाहर जाके मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना ही फर्क है सिर्फ। और मैं आपको बता दूं आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। थैंक यू सर। वैसे आप भी बहुत स्वीट हो। थैंक यू। थैंक यू नॉट, सच में बहुत स्वीट हो। जी जी नहीं सच में बहुत स्वीट हो। अभी भी थैंक यू बोलूं या क्या बोलूं? आप कुछ मत बोलो, बस हो तो हो, बस मतलब इतनी स्वीट क्यों हो ये नहीं पूछूंगा, बट हो आप बहुत स्वीट हो। जरा बच के रहना वरना चींटी लग जाएंगे। वैसे भी मेरे जैसा कि चींटी रहे ना तो फिर आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ मैम, आपको अच्छा नहीं लगा मुझसे बात करके? मैंने आपको पहले ही बताया मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके जी, इसके अलावा और कुछ मतलब आप फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं क्या? हाँ जानना है सर। जी पूछो क्या सर? मतलब फ्लिपकार्ट क्या मतलब सारी आपकी जैसे स्वीट स्वीट लड़कियों को ही मतलब जॉब पे रखता है क्या, हम जैसे बंदों को नहीं रखता? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सुबह तो आपका कॉल मतलब किसी इसको कनेक्ट हुआ था ना? हाँ एक बंदे को हुआ था, वो खड़ूस नहीं था, अच्छे से ही बात कर रहा था। वो तो सिखाया जाता है ना कि अच्छे से बात करना। नहीं वो बाय डिफॉल्ट रहता है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मतलब किसी के पास वो मतलब पावर है ऑलरेडी बात करने की, तो उसे सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रोसेस नॉलेज सिखाया जाता है, बात करने का तरीका कोई नहीं सिखा सकता। ओ अच्छा, नहीं मतलब ये तो बताया जाता है ना कि अच्छे से बिहेव करना। जी लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी कैसे रहता है गुस्सा आता है, लेकिन वो भी हमें कैसे बात करनी है वो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, और मैं अगर सैलरी के बारे में पूछूंगा देन आप कहेंगे कि नहीं वो बता नहीं सकती है ना? पर्सनल कुछ भी शेयर नहीं कर सकते सर। हाँ पता था, क्योंकि ऐसे ही होता है। सर सो सॉरी, हम डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, आई एम रियली सॉरी। ठीक है मैम, फिर आपका तो घर जाने का टाइम हो गया ना? जी। ओके मैम, कितना दूर है घर? हैप्पी जर्नी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय।